अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं और बाबा बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लौकी गोश्त। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। लौकी गोश्त की रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसके लिए हमने गोश्त लिया 1 पाव फ्रीज किया हुआ, और लौकी हमने लिया है 500 ग्राम। इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज हमने 1 अदद लिया है, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और टमाटर हमने 1 अदद लिया है, इसको भी हमने काट के रख लिया है साइड पे। और लहसुन के 6 से 8 जुए लिए हैं, इनको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। तो मसाला में हमने नमक 1 टीस्पून लिया है, हल्दी 1/2 टीस्पून लिया है, लाल मिर्च 1 टीस्पून लिया है, इलायची बड़ी वाली 2 अदद लिया है, और दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे, उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम आग को जला लेंगे, और इसमें हम प्याज को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें ऑयल को गरम करने के बाद हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लौकी गोश्त बनता है। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हमारा वाइट हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे। प्याज जो है हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है, इसके अंदर अब हम लहसुन ऐड कर देंगे, और लहसुन को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसके साथ ही लहसुन हमने मोटा मोटा कूटा हुआ था, इसकी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खुशबू होती है। तो आप देख सकते हैं इसको हम फ्राई कर रहे हैं प्याज के साथ, इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि प्याज जो है वो जले ना इसलिए। और अब हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे जो हमने बारीक बारीक काट के रखे हुए थे। चूल्हे को थोड़ा सा हम फ्लेम को तेज़ कर लेंगे ताकि ये जल्दी से टमाटर गल जाएं। अब हम इसमें मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, फ्राई करेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि ये मसाले जो हैं अच्छी तरह से पक जाएं, और साथ में प्याज और लहसुन जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। और साथ हम गोश्त जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त को 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा 1/2 गिलास पानी डाल के इसको गलाएंगे। तो लौकी जो है वो हमने एक साइड पे दूसरी पतीली में बॉयल के लिए रख दी है, और वो अलग से बॉयल हो रही है। इस गोश्त हमारा जो है वो दूसरी साइड पे पक के तैयार हो चुका है, हल्का सा इसमें बाकी है गलना, तो वो हम लौकी के साथ इसको गलाएंगे। लौकी हमने बॉयल कर ली है, लौकी अब गोश्त के अंदर हम ऐड कर देंगे। लौकी गोश्त में ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको 6 से 8 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारी लौकी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, और गोश्त भी जो थोड़ा बचा हुआ है गलने के लिए वो भी अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ही मज़ेदार लौकी गोश्त जो है वो पक के तैयार हो रहा है। इसको कवर करके हम 6 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारा लौकी गोश्त जो है वो चेक कर लेते हैं, हमारा लौकी गोश्त जो है वो पक के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लौकी गोश्त जो है वो पक के तैयार हो चुका है। हमारा लौकी गोश्त पक के तैयार हो चुका है।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं लाइक शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।